अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने जाना है कस्टम ऑक्शन हाउस जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पे जाना है। एक ऑक्शन हो रहा है, डिफरेंट राइड्स हैं वहाँ पे, तो मैंने जाना है वहाँ पे। एक ये जीप है चेरोकी, उसके साथ एक पीछे कारवान है, यानी कि जो पीछे हब बनाया हुआ होता है ट्रैवलिंग के तौर के लिए, घर पीछे एक बनाया हुआ होता है, तो वो है इम्पोर्टेड ब्रांडेड है। तो किसी ने, ये जहाँ तक मेरी रिसोर्सेज थी उसके मतलब जो मैंने पता किया, तो ऑनर ने उसको ख़ुद सीज करवाया है और उसकी ड्यूटी पे करना चाह रहे हैं। हमारा ये था कि ऑनर से मुलाकात हो सके, हम पूछ सकें अगर वो उसको सेल आउट करना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारे काम की नहीं है। अगर वो सेल आउट करना चाहते हैं या बिडिंग के अंदर उसकी बिड होती तो उसके हवाले से हम देख सकें अगर इंडिविजुअल आइटम की बिडिंग हो। मैं पहुंचता हूं वहां पे, फिर अभी आगे का सिनेरियो आपको दिखाते हैं और साथ वर्कशॉप का भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं। जी अभी हम आ गए हैं ऑक्शन के लिए, कस्टम ऑक्शन हाउस इस्लामाबाद। आपके सामने ये 2002 क्राउन है। अभी तक इसके 44 लाख लग चुके हैं। बिड स्टार्ट हुई थी 26 लाख से और 44 लाख लग चुका है। 2002 मॉडल है। अजीब सी आजकल यहाँ पे तेज़ी होती है परचेजिंग में, जितनी इसकी वैल्यू नहीं है गाड़ी की उतने पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी होनी है। हम क्यों आए थे, हमने इसका पता करना था ग्रैंड चेरोकी और पीछे एक कारवान लगा हुआ है, तो हमने बेसिकली इसका पता करना था, मगर वो गाड़ी के समेत है, गाड़ी के बग़ैर नहीं मिल सकता। इसके अलावा यहाँ पे प्रियस है, ये 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र है, और प्रियस है, फिर से एक्वा है, और रैप्टर खड़ी हुई है, वेजल खड़ी हुई है, डिफरेंट राइड्स हैं। पर मकसद नहीं था ज़्यादा इधर एक्सप्लोर करने का, ज़्यादा काम यही था, हमने अपने ग्रैंड चेरोकी का पता करना था, उसके हवाले से पता नहीं चल सका। 49 लाख लग चुके हैं जी क्राउन के। 50 लाख, 2002 मॉडल क्राउन, 50 लाख रुपए जी। ओए ओए, जो भी ले रहे गलत कर रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी नहीं है, 51 लाख, वाओ। इसलिए मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता कि हम इस्लामाबाद ऑक्शन में आए और इतनी महंगी गाड़ी लें जिसकी वैल्यू है ही नहीं मार्केट में इतनी। ये डिफरेंट, हमने ये कारवान का पता करना था, ये है ब्रांडेड और ये यूजली मिलते नहीं हैं, और अभी हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है उसका प्रियस का 36 से 33 से शुरू हुआ है, 39 पे पहुंच चुका है। क्राउन बिक गई 51 की, और ये कारवान है, वीडियो बनाना मना है इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं इसको, इधर ही एंड करते हैं जी। माशाल्लाह से होंडा सिविक ईजी पेंट हो चुका था, इंजन भी रख दिया गया है, वायरिंग क्योंकि उसामा भाई नहीं कर रहे और नॉर्मल वायरिंग कर रहे हैं, बहरहाल काफ़ी अच्छा हो गया इंजन भी, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। लाइट्स इसकी बहुत ही प्यारी उनने परचेज़ की हैं, जो स्मोक ब्लैक और विद एम्बर कॉर्नर्स आते हैं, तो अभी इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं करामत भाई, अलाइन कर लिया है बोनट फिंडिस, बस अब बम्पर रहता है और लाइट्स की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, तो वो करने के बाद इंशाल्लाह ये हो जाएगी कंप्लीट। ये न्यू स्टॉक में आए हैं होंडा सिविक 2000 का सनरूफ है, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन के, बैक से ज़रा चीज़ें पड़ी हुई है और रोशनी नहीं होगी इसलिए फैब्रिक में अभी आपको दिखा नहीं सकता, पर काफ़ी अच्छी कंडीशन का है, यूज़ किया जा सकता है, किसी ने कन्वर्ट करनी हो गाड़ी में या टूटा हुआ हो, कोई चीज़ ख़राब हो तो उसके लिए यूज़फुल है। आजकल काफ़ी महंगे हुए हैं, आपको जैसे पता है 1.5 से 2 लाख रुपए तक आजकल इनकी प्राइस जा रही है, और इसके रिगार्डिंग पूछना हो तो फिर आमिर भाई से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, जो लेना चाहेगा कमेंट में पूछ लें, नंबर शेयर कर लेंगे। सुजुकी खैबर, इसके ये दो दरवाज़े जो हैं पेंट किए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त पेंट हो गए हैं, टोटल जेन्युइन वाली वाइब आ रही है, ऑल दो जेन्युइन नहीं है पर वैसे सफाई से हो गया काम माशाल्लाह। अच्छा आपको दिखाते हैं पेंट सेक्शन में, आ चुकी है जी सिग्नेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटिंग का सारा काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्लियर अप हो चुका है। ये वाली जगह बस ये एक सैंडिंग होगी, मज़ीद क्लियरिटी इसके अंदर आपको नज़र आ जाएगी। डेंटिंग तो हो चुकी है, नीचे से जहाँ फिनिशिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड थी वहाँ पे कर ली गई है। दूसरी तरफ चलते हैं, लेक्सस ये देखें जी, दूसरी साइड भी हमारी क्लियर है। यहाँ पे ये इतनी गंदी नहीं थी, अब ये है कि बाकी सारी मेहनत इसमें सैंडिंग में की जाएगी, जिसमें यह ढलक वगैरह अगर थोड़ी जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा।
जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी उस जगह को साफ़ कर दिया गया, पील ऑफ की है जैसे कि फ्रंट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा होंडा सिविक ये आपने देखी थी, इसका लिप लगा दिया था, पेंट भी हो गया लिप, बस अभी इसकी कटिंग होनी और बस इसका हो जाएगा फाइनल, ये भी चली जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ ये होंडा सिविक ईगल आया जो आप देख रहे थे, इस पर बेस वर्क हो रहा था तो तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। मैं आपको एक वॉक अराउंड करवा दूँ, ये देखें जी, ये वाली साइड उस दिन हो रही थी, रूफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैक से भी आप देख लें हमारी कवर हो गई है ट्रंक वगैरह, और ये ड्राइवर वाली साइड है, ये बस फाइनल फिनिशिंग की तरफ है। फ्रंट का दरवाज़ा थोड़ा सा रहता है और वो थोड़ा सा पैच है फेंडर का, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा एक नई RS आई हुई है, उसके लिए ये बॉडी किट लग रही है, इसको रेडी कर दिए, बस पेंट होगी इंशाल्लाह तो इसकी फिटिंग शुरू हो जाएगी जी। आज आपको दिखाते हैं होंडा ईगल आया जिसका पेंट हुआ है और अभी रिसेंटली पेंट हुई है, जिसका मैं आपको दिखा रहा था कि इसमें कुछ ख़ास चीज़ें भी लगेंगी जिसमें बॉडी किट्स और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह से रिजल्ट्स बहुत ही प्यारे हैं, ब्लैक पेंट है, फिर पेंट ब्लैक जो है आपको पता है उसमें सफाई ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो पेंट बहुत अच्छा डला है। इसके बाद जाहिर है कटिंग पॉलिश होनी, ये चीज़ें होंगी तो आपको रिफ्लेक्शन रिजल्ट्स और बेहतर नज़र आएंगे, पर ये कि अभी पेंट बूथ के अंदर है और अभी तक हीट का प्रोसीजर जो है चल रहा है, यानी कि एंड की तरफ है मगर हो चुका हुआ है उस तरह पूरा, पर थोड़े मेरे ख्याल 10-15 मिनट मज़ीद हीट में रहेगी और फिर इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। पर ये कि बूथ अभी गर्म है, पहले भी गर्मी है ऊपर से बूथ भी गर्म है, तो इसको बस सोचा आपको कवर करके दिखाएं। पेंट जॉब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया है, सनरूफ इसमें आपको याद होगा हमने लगाया था, डेंटिंग की थी आमिर भाई ने इस पर, तो सारा माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया है। रूफ भी आपको दिखा दूं जी, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, साफ़ सुथरा काम, रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर जाहिर है वो अब गाड़ी जब जुड़ेगी उसकी जो एक अपनी कंप्लीट चीज़ की लुक होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है, तो वो इंशाल्लाह अभी आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। इसी के साथ अभी लेते हैं इजाज़त, मज़ीद इसकी फ़िटिंग्स होती हैं, आगे काम बढ़ता है और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इसके हवाले से। सिविक का सामान पड़ा हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं ट्रंक आ जाती है, बम्पर है, वेदर स्ट्रिप्स और यानी कि मोल्डिंग्स एंड डोर की, हैंडल, साइड मिरर, बैक बम्पर, फुटबोर्ड, बोनट, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, फिर होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।